अब तक हमने ये पढ़ लिया कि इस कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और इसमें करंट अगर पास कर रही हो तो इस पर एक टॉर्क एक्ट करने लगता है। द टॉर्क दैट टेंड्स टू रोटेट इट, टेंड्स टू रोटेट, रोटेट करने की कोशिश करता है। रोटेट कर पाए या ना कर पाए वो एक अलग बात है। अगर ये फिक्स है, कॉइल आपकी रोटेट करने के लिए फ्री नहीं है, आपने इसे कील से ठोक ठाक कर जड़ के रखा हुआ बिल्कुल पक्का, तो फिर नहीं रोटेट होगी। लेकिन अगर ये फ्री है रोटेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर रोटेट हो जाएगी, डिपेंड करता है कितना एंगल है। अब इसका जो टॉर्क निकल कर आया था वो अल्टीमेटली हमने ये बना लिया था क्या, कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सारी चीजें सब कुछ हमने कर ली थी, नॉर्मलाइज सबको कांस्टेंट कर लिया था, तो रह गया था कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कैसे करंट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट बना क्या सकते हैं। ये जो करंट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, करंट मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है करंट सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर, सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर। सस्पेंशन टाइप इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लटकी रहती है। सस्पेंड का मतलब होता है लटकना, लटकना। कैसे इसका स्ट्रक्चर है, सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर, ये मेरा पुराने जमाने का मीटर है, मैंने इसे खोल दिया दिखाने के लिए। खुल गया, सिम सिम खुल गया। ये है एक्चुअली गैल्वेनोमीटर, इतना पोर्शन। ये बेसिकली पूरा का पूरा, देखो ध्यान से देखना मेरा पेच कैसे पे चिपका जा रहा है, चिपका है, खींच रहा है अपनी तरफ को पेच कैसे। ये पूरा का पूरा मैग्नेट है ये, और ये हॉर्स शू शेप मैग्नेट है। और ध्यान से देखिए आप, यहां आकर के मैग्नेट के जो इसके किनारे हैं, ये पूरा मैग्नेट, प्लास्टिक की चीज ले लूं मैं, मैग्नेट, और ये जो मैग्नेट है देखो ध्यान से आप, ये जो ये आपको स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है, ये पूरे मैग्नेट की पार्ट है। और बहुत ध्यान से देखना, यहाँ इसके जो किनारे हैं, सरफेस हैं, वो कर्व कर दिए गए हैं, कर्व कर दिए गए हैं। देखिए ये तो मैं कॉयल कॉयल को चला रहा हूँ, देखो बीच में जो ब्राउन कलर की आपको दिखाई दे रही है ये कॉयल है, लेकिन इसके दोनों तरफ देखो आप ध्यान से, ये जो शेप है आपकी, कौन सी वाली शेप, ये शेप, ये कर्व है। तो नमन बाल कटवा लिए तन्ने। तो ये जो यहां आपकी, ये मैग्नेट के दोनों सिरे हैं, एक सिरा ये है नॉर्थ पोल और एक ये है साउथ पोल, और ये देखो आप ये अंदर की तरफ को घूमे हुए हैं। कैसे इनकी शेप, इनकी शेप है कर्व्ड, ये जो कल हमने डिस्कस किया था, कौन सा वाला, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करने के लिए ये ऐसे बना लिए गए हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये रहा, एक नॉर्थ पोल और एक ये साउथ पोल, ठीक है। इसके बीच में देखिए आप ध्यान से, ये जो ब्राउन कलर की है, ये जो ब्राउन कलर की है, ये कॉयल है, ये कॉयल इस निडिल के साथ साथ घूम रही है, या उल्टा मैं बोल रहा हूं, निडिल घूम रही है कॉयल के साथ साथ,
ये कॉइल है ये जो आपको चलती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम, और मेरे ऊपर हाथ में ये निडल है इसकी, और इसके बीचों बीच देखिएगा आप यहाँ से बीचों बीच कॉइल के बीचों बीच कुछ ऐसा भी है जो घूम नहीं रहा, जो घूम नहीं रहा, ये है ये जहां इस टाइम मेरे पेन की निब है, ये है एक कहते हैं इसे कोर, सिलिंड्रिकल कोर, सबको दिख रही होगी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वाली सिलिंड्रिकल कोर है ये, कौन सी वाली है जो घूम नहीं रही है, जो इसके बीचों बीच है, इसके बीचों बीच मैं पेन लगा के दिखाता हूँ, ये वाली यहाँ, ये जो इस पर मेरा पेन है इस टाइम, ये ब्लैक पार्ट, ब्लैक इंक लग रही है, ये कोर है, कोर में कोर फिक्स है अपनी अपनी जगह पर, और ये कॉयल घूम घूम रही है, इस कॉयल को एक जगह तो यहाँ लटकाया गया ऊपर हमने सस्पेंशन से, और एक यहाँ पीछे यहाँ लटकी हुई, दोनों तरफ ये सस्पेंशन है कॉयल के, ठीक है, और कॉयल का सिरा भी, एक सिरा कॉयल का यहाँ आ जाता है और एक सिरा कॉयल यहाँ आ जाता है ऊपर से, ये दोनों आपके टर्मिनल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसे समझते हैं कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है ये कॉइल, सॉरी आपका कार्व्ड इन सिलिंड्रिकल शेप में कार्व हुए हुए नॉर्थ साउथ पोल है, और इसके बीच में रख दिया गया, इसके बीच में रख दिया गया एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन का एक सिलिंड्रिकल पीस है, सिलेंडर की शेप का एक सॉफ्ट आयरन का पीस है, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं सी, इट इज कोर सी, सी क्या है यहां, सी है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर इसे बोल देते हैं, और इसके ऊपर है ये क्या चीज भला, ये कॉइल, जो कॉइल इसमें आपको घूमती हुई दिखाई दे रही निडल के साथ साथ, तो कॉइल कैसी है, यहां से तो ऊपर से कॉइल कैसी दिखाई देगी, इस शेप में दिखाई देगी, ये आपकी कॉइल है, मैं इसको रेड ही बना देता हूं, ये कॉइल है, करेक्ट, और इस कॉइल को हमने टांगा हुआ है यहां दो सस्पेंशन के बीच में, एक सस्पेंशन इधर है और एक सस्पेंशन ये पीछे वाला, दोनों सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है, आपको इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ ये छोटी सी स्प्रिंग लगी हुई है जो इसे वापस अपनी जगह लेकर आ रही है, ये देखिए मेरे हटाने के बाद वापस अपनी जगह आ रही है, तो ये कौन कौन ला रहा है इसे अपनी जगह, स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ, एक स्प्रिंग यहाँ नीचे इस साइड पर लगी हुई है, ये बारीक सी ब्राउन अगर आप दिखाई देख सके, नहीं इतने क्लियर नहीं दिखाई देगा, और एक नीचे लगी हुई है स्प्रिंग, ये तो यहां से मैं स्प्रिंग बना देता हूं ऐसे, इस कॉइल के सिरे से ये स्प्रिंग यूं लगी और इसका सिरा बाहर जाके जुड़ जाता, और एक स्प्रिंग इसके नीचे दबी हुई हम बना नहीं रहे, और फिर यही इस कॉइल के साथ आप देखिएगा ध्यान से, इस कॉइल के साथ ही जुड़ा हुआ, चिपका हुआ बल्कि बिल्कुल वेल्ड किया हुआ है ये पॉइंटर, ये पॉइंटर आ गया यहाँ इस इसके साथ में, ये पॉइंटर, और इस पॉइंटर के नीचे से आपने देखा ही कि मैंने स्केल निकाला है, ये इस पॉइंटर के नीचे ही पूरा स्केल लगा हुआ है, जैसे जैसे पॉइंटर चलता रहता आप इसकी स्केल के ऊपर यहाँ तक रीड कर सकते हैं, ये पॉइंटर इतना लंबा यहाँ तक होता है, मेरे से टूट गया है, ये चलता रहेगा और आप यहाँ से रीड कर लेंगे जो भी आपको रीड करना होगा, और यहाँ लगा दिया ये हमने एक स्केल, पूरा स्केल है यहाँ, जीरो से स्टार्ट होता है और ये पूरा मार्किंग कर दी है आज की, ठीक है। समझने के लिए कैसे इसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, समझने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से क्रॉस सेक्शन, यहाँ से इमेजिन करो कि मैंने इसे यहाँ से बिल्कुल काट दिया, तो हमें ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाई दे रहा, बीच में एक कॉइल है और सॉफ्ट आयरन कोर है, तो कैसे बनाएंगे हम इसे, जैसे यहाँ से मैंने क्रॉस सेक्शन काट दिया, बायो वाले बच्चे समझ सकते हैं क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन काट दिया, ये नॉर्थ पोल क्रॉस सेक्शन में दिखाई देगा, ये कर्व क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, और ये बना दिया क्या साउथ पोल, और इसके बीच में है कॉइल, इसके बीचों में बीचों बीच है कॉइल, कॉइल को मैं रेड पेन से बनाता हूँ, कॉइल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ब्राउन कलर जो दिख रहा है आपको चमकदार, ये ब्राउन कलर
ये कॉइल है ये, और इतनी पतला इसमें वायर लगा हुआ है जैसे बाल, कि ये सारे वायर एक साथ मिलकर के ब्राउन कलर यूनिफॉर्म कलर दे रहे हैं। ये यहाँ ये रखा मेरे पैन के नीचे बिल्कुल। तो हम केवल 3 या 1.5 टर्न बनाएंगे यहां से, हम केवल 1.5 टर्न ही बनाएंगे यहां से। ये जो गोल बना दिया जाता है इसका मीनिंग होता है कि तार एक दूसरे से टच नहीं है यहाँ पर, जहां ये गोल बना दिया गया। देखिए अगर कहीं पर 2 तार ऐसे बना दिए जाएं, एक तार ये जा रहा है एक तार ये जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जॉइंट है ये, लेकिन एक तार ऐसे है और एक दूसरा तार उसके ऊपर से जा रहा है, बीच में स्पेस है, जॉइंट नहीं है, तब इसको बनाने का तरीका होता है ऐसे गोल कर देते हैं, तो पता लगता है यहाँ से जॉइंट नहीं है ये। ठीक है जी, अब यहां से एक लगाई जाती है, थोड़ा मेरा डायग्राम नीचे रह गया है, लटकाने के लिए इसको एक सपोर्ट, सपोर्ट के साथ इसे लटकाते हैं, ये कहलाता है टॉर्शन हेड, और इसे हम बोलते हैं ये वाली, ये होता है, मैं इसको लिख रहा हूं पी, पी है फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फॉस्फर ब्रॉन्ज है, ये एक अलॉय है, खास तरीके का अलॉय है, इस अलॉय को ही क्यों यूज करते हैं इसे भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके ऊपर जो है, फिर इसके ऊपर बना लिया जाता है यहां एक मिरर, मिरर को मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो अलग चीज है, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ये मिरर बन गया M, M क्या है, M है एक कॉनकेव मिरर, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इस कॉइल के बीचों बीच रखी जाती है, ये रखी तो कॉइल के बीच में है लेकिन ये कॉइल से सेपरेटेड है, ये घूमेगी नहीं चलेगी नहीं, ये रख दी एक सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन इसलिए क्योंकि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। ये है सॉफ्ट आयरन कोर, मैंने इसको सी लिख दिया, ये पूरी सॉफ्ट आयरन सॉलिड पीस है, ये सॉलिड पीस है आयरन का, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, नीचे यहाँ इसके, इसके यहाँ नीचे एक हेयर स्प्रिंग बना दी जाती है, बहुत पतली सी हेयर स्प्रिंग का मतलब इतनी पतली जिसकी मोटाई बस बाल के बराबर है, हेयर स्प्रिंग लगा दी गई, मैं इसको एच लिख रहा हूं, एच हेयर स्प्रिंग, ये हेयर स्प्रिंग हो गई। उसके बाद नॉर्थ साउथ पोल हो गए और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कहां से कहां तक हो गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गया है, ठीक है। ये मिरर लग गया, एक्चुअल में ये जो हम हमारे हाथ में है इसमें मिरर की जगह लगा हुआ है पॉइंटर, ताकि पढ़ने में इसे रीड करने में आसानी रहे, वरना तो यहीं पर सोच लीजिए कि छोटा सा एक मिरर चिपका हुआ है जहां ये पॉइंटर लगा हुआ है सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर में। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहां से एक सिरा निकाल लिया बाहर, कहां से, एक सिरा तो इससे हेयर स्प्रिंग से बाहर निकाल लिया, इसको मैं लिख रहा हूं टर्मिनल T1, और एक यहां से जोड़ दिया फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से, ये हो गया टर्मिनल, टर्मिनल T2 टर्मिनल। ये इसके टर्मिनल से ही रहे, ये आपको दिख रहा होगा तार, ये अंदर अंदर कॉइल से जुड़ा हुआ, एक इधर निकाल लिया टर्मिनल और एक दूसरी तरफ निकाल लिया टर्मिनल, एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से और एक हेयर स्प्रिंग से ज्वाइन करके बाहर निकाल लिया। अब जैसे ही आप यहाँ करंट इस्टेब्लिश करते हैं, इसमें ये करंट इस्टेब्लिश हुई, इसमें घूम के गई, यहाँ गई करंट, यहाँ गई करंट और यहाँ आई करंट, तो क्या होगा, देखिए ध्यान से आप क्या होगा, फिर यहाँ से करंट, ये हेयर स्प्रिंग से और यहाँ पूरा इसने टर्न लिया और फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से होती हुई
बाहर निकल गई, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से होते हुए बाहर निकल गई। तो अब क्या होगा देखना जरा ध्यान से, ये नॉर्थ साउथ पोल, ये मेरी करंट की डायरेक्शन, तो ये रहा, इस वाली आर्म पर फोर्स लगेगा अपवर्ड्स आउट ऑफ प्लेन, इस वाली आर्म पर फोर्स लगेगी इन टू द प्लेन, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इस आर्म को उठा करके ऊपर ला रहा है और इस वाली आर्म को उठा करके दबा के नीचे लेके जा रहा है। तो ये दोनों मिलकर के टर्निंग इफेक्ट से दे देंगे, टर्निंग इफेक्ट मिला आपको करंट से। जैसे ही करंट बंद करेंगे, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और ये हेयर स्प्रिंग दोनों मिलकर वापसी से अपनी जगह लेकर आ जाएंगी। तो अब इसमें देखो ध्यान से, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप आप समझो कि मैंने अगर ये इस कॉइल के साथ में, इस कॉइल के साथ में ये स्ट्रिप जोड़ दी, ये पूरी स्ट्रिप मैंने जोड़ दी इस कॉइल के साथ में, ऊपर तो ये स्ट्रिप फिक्स है घूम नहीं सकती और नीचे कॉइल के साथ जुड़ी हुई। अब जैसे जैसे कॉइल घूमती है, जैसे जैसे कॉइल घूमेगी वैसे वैसे स्ट्रिप में ऐंठन आ जाएगी। मैं इसको हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐंठन, टॉर्शन इसे बोलते हैं, टॉर्शन, ऐंठन आ गई। देखो ये रही, क्यों? क्योंकि ऊपर से मैंने स्केल को पकड़ा हुआ है और नीचे स्केल जुड़ा हुआ है कॉइल के साथ में, और ये कॉइल के साथ में रोटेट होगा ऐसे या ऐसे रोटेट होगा, तो इसके अंदर एक ऐंठन आ गई और मैं इसे, ये ऐंठन आ गई, इसे जैसे छोड़ूंगा वापस अपनी जगह, जैसे ही छोड़ूंगा वापस अपनी जगह, इधर घूमेगी तो वापस अपनी जगह। तो ये इसको प्रोवाइड करते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब कॉइल में आपने करंट पास करी, कॉइल घूमने की टेंडेंसी में, लेकिन ये जो स्ट्रिप है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ये वाली फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और इस तरह की ये हेयर भी, हेयर स्प्रिंग, ये ऐंठ जाएगी, ये वापस इसे अपनी जगह लाने की कोशिश करते हैं, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है टॉर्क? एक तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और थोड़ा सा रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है ये हेयर स्प्रिंग, दोनों मिलकर के इस कॉइल के, इस कॉइल के घूमने को रोकेगा, इस कॉइल के घूमने को, इस कॉइल के रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे दोनों मिलकर के। कौन? ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप का टॉर्शन और हेयर स्प्रिंग, ये इसे घूमने से रोकना चाहेंगे। तो दो टॉर्क यहाँ पर लगेंगे, एक तो मैग्नेटिक टॉर्क जो इसमें करंट आपने एस्टेब्लिश करी है तो घुमाने की कोशिश में, और फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और हेयर स्ट्रिप का जो रिवर्स टॉर्क है वो इसे वापस अपनी जगह लाने की कोशिश में। एक पॉइंट पर पहुंचकर ही दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। भाई आपने इसमें करंट पास करी, ये घूमने लगा, घूमा तो इसमें फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में टॉर्शन आ गया, टॉर्शन ये इसे वापस लाने की कोशिश में, लेकिन आगे बढ़ाने वाला टॉर्क, वापस लाने वाला टॉर्क, दोनों जहां इक्वल होंगे वहीं पर ये रुक जाएगा। आगे बढ़ाने वाला टॉर्क करंट पर डिपेंड करता है और जो वापस रिस्टोर करने वाला टॉर्क है वो डिपेंड करता है कि कितना रोटेशन घूम गया थीटा पर। तो फिर दो दो टॉर्क यहां लग रहे हैं, पहला टॉर्क कौन सा? मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द कॉइल कितना बनेगा? टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा, अल्फा एंगल है बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा। ये तो रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया, मैग्नेटिक टॉर्क, और रिस्टोरिंग टॉर्क जो है टाउ डैश लिखूंगा मैं इसे, टाउ डैश इक्वल टू होता है के थीटा। अच्छा अब ये क्या चीज है बताओ, ये क्या है के, क्या चीज है के? हम बोलते हैं पहले भी आया था ये 11th क्लास में, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इस स्प्रिंग का भी और इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का, दोनों का मिलकर के, दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। अब एक टॉर्क इसे, एक टॉर्क कॉइल को घुमाने की कोशिश में है ऐसे, दूसरा टॉर्क इसे वापस लाने की कोशिश में। ध्यान से देखिए आप, जो इसे आगे एक एक टॉर्क इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक टॉर्क इसे वापस एंटी क्लॉकवाइज ला रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाने वाला जो टॉर्क है ये तो करंट पे डिपेंड है, और एंटी क्लॉकवाइज वाला जो टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, वापस जो इसे लाने की कोशिश में, ये डिपेंड कर रहा है कितना घूम गया, कितना एंगल ये घूम गया, जितना ज्यादा एंगल घूम गया उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क। फिर से समझिए इस बात को, देखो ये मेरा स्केल है, अगर मैंने इसको घुमाया थोड़ा सा 5-7 डिग्री पर घुमाया तो हल्के से वापस आएगा,
और मैंने इसे घुमा दिया 30 डिग्री पे, देखो ध्यान से 30 डिग्री, तो बहुत तेजी से वापस आएगा। अब मुझे बहुत तकड़ा फोर्स लगानी पड़ रही है, देखो इसे इसे घुमाने के लिए मुझे बहुत तकड़ी फोर्स लगानी पड़ी इतनी इस हद तक। तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल है थीटा के। इक्विलिब्रियम पर एक कंडीशन ऐसी बनती कि दाएं दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं और कॉइल वहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? रिस्टोरिंग टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क कितना है? एन आई ए बी साइन अल्फा इज इक्वल टू के थीटा, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब जरा ध्यान से देखना, आई इक्वल्स के डिवाइडेड बाय एन ए बी साइन अल्फा इंटू थीटा। यहां देखो ध्यान से, के क्या चीज है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट है, एक बार जब आपने यहां हेयर स्प्रिंग बना ली और आपने फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगा ली, तो अब ये चाहे 10 डिग्री घूमे चाहे 20 डिग्री घूमे, ना तो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप बदल रही ना हेयर स्प्रिंग बदल रही, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। इसका तो नाम ही कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। गिवन कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, गिवन मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी कांस्टेंट है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए साइन अल्फा कांस्टेंट है। तो ये सारी जो दुनिया इसके अंदर भरी हुई है ब्रैकेट के अंदर, ये सब मिलकर के क्या बन गया? ये सब मिलकर के एक कांस्टेंट बन गया। इसे हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल जी से, रिप्रेजेंट किया, हम इसे कहते हैं हेयर जी इक्वल्स गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जी को कहा जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा ये कॉइल घूम जाएगी आपके करंट पास करने से, इसका मतलब उसमें करंट उतनी ज्यादा पास हो रही है। अच्छा, अब इस मिरर का क्या काम होता है? एक्चुअली ये मिरर यहाँ इस पर कॉइल के ऊपर लगा हुआ, जब ये कॉइल घूमती है तो मिरर भी इसके साथ घूमा, और मिरर के सामने जब कॉइल घूमी, ये कॉइल है, कॉइल घूमी तो इसके ऊपर लगा हुआ चिपका हुआ मिरर भी घूमेगा। ये मिरर ऐसे लगा हुआ है यहाँ इसके ऊपर, और यहाँ मिरर के ठीक फोकस पर एक लगा देते छोटा सा बल्ब, छोटा सा सोर्स लगा दिया। पुराने जमाने की बातें हैं, इतने पुराने जमाने की बातें हैं कि मैंने भी इसको एक्चुअल में नहीं देखा, सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर को, पता नहीं क्यों आजकल भी पढ़ाई जाती है। तो बहरहाल जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगा ये, बस इसे देख लो, मैं इमेजिन कर लो, रियल में तो ये कभी मिलेगा नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनसे कहीं ज्यादा आसान, इनसे कहीं ज्यादा सोफेस्टिकेटेड, ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ज्यादा सस्ते डिजिटल मीटर मार्केट में अवेलेबल है। तो इसे कौन यूज करेगा, क्यों यूज करेगा, इसे कोई भी अगर पढ़ाया जा रहा है लगातार। एनीवे, अब ये मिरर है, मिरर इसके ऊपर लगा हुआ, ये कॉइल घूमी तो इसके ऊपर लगा हुआ मिरर भी घूमा। चलो मेरे दवाई का स्ट्रिप है ये छोटा सा, मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ, ये मिरर है। अब देखो ध्यान से, अब ये कॉइल घूमी तो इसके साथ मिरर भी घूमा, कॉइल घूमी तो मिरर से चिपका हुआ। अब मिरर के सामने लगा दिया आपने एक बल्ब, तो जैसे ही मिरर घूमेगा इस बल्ब का जो रिफ्लेक्शन है, कैसा रिफ्लेक्शन बनेगा? सिंपल सी बात है, जैसा रिफ्लेक्शन बनता है आपका कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर के फोकस पर जब आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट रख दिया आपने यहाँ, तो क्या होता है, फोकस पर रख दिया आपने, फोकस से चलने वाली लाइट रेस क्या होती है, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये बीम की फॉर्म में जा रही है, एक लाइट की बीम की फॉर्म में चल रही है ये लाइट रेस। अगर ये मिरर आपका यहाँ से घूम जाता है, ये फोकस, ये तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, लेकिन मिरर यहाँ से ऐसे घूम गया, देखो ऐसे घूम गया, तो यहां से चलने वाली लाइट रेज अब जो लाइट रेस पहले इस तरफ जा रही थी वो इधर जाने लगेगी मिरर के घूमने से, ठीक है। तो मिरर का घूमना किस पर डिपेंड है? कॉइल के घूमने पर। जितना कॉइल घूमेगी जितने एंगल पर उतना ही मिरर घूम जाएगा। तो क्या किया जाता है एक्चुअली, इस मिरर के सामने यहाँ कमरे में लैब में यहाँ रखा इसे गैल्वेनोमीटर को, और इसके ठीक सामने वाली दीवार पर क्या बनाते हैं, एक स्केल बनाते हैं। ये सामने वाली दीवार पर एक स्केल बना लिया, यहाँ आपने गैल्वेनोमीटर रखा, ये गैल्वेनोमीटर,
ये गैल्वेनोमीटर के अंदर का मिरर, जब कुछ भी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही तो इसका जो बल्ब है वो सामने स्पॉट भेज रहा है, यहाँ सामने स्पॉट भेज रहा है, तो यहाँ लिख दिया हमने जीरो दीवार पर, कमरे की उसकी लैब की दीवार पर। फिर इस गैल्वेनोमीटर में करंट का पास करा, करंट सपोज हमने 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, पहले पता था कि 1 एम्पियर की करंट है, किसी और तरीके से कैलकुलेट कर रखा था, तो ये मिरर थोड़ा सा घूम जाएगा, जब ये थोड़ा सा घूम गया तो इससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट घूम गई। अब वो जो लाइट का स्पॉट है, जैसे कभी कभी आप यहाँ मेरे साथ या क्लास में बैठे हुए करते हो, घड़ी अपने घड़ी को सूरज की लाइट पे जा करके रिफ्लेक्ट कराते हो, तो जैसे जैसे आप हल्की सी घड़ी घुमाते हो तो बहुत सारे घूम जाता है लाइट, तो ऐसी लाइट यहाँ घूम गई है, तो यहाँ जहां तक पहुंचा स्पॉट मैंने वहां 1 एम्पियर लिख दिया। फिर मैंने इसमें करंट बढ़ाई 2 एम्पियर करी और घूम गया, जहां पहुंचा ये लाइट का स्पॉट मैंने 2 एम्पियर लिख दिया। तो क्या कर दिया एक्चुअली, ये कैलिब्रेट कर दिया इसको ऐसे, इधर जब करंट का उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कराऊंगा तो यहाँ जाएगी, यहाँ भी मैंने 1 एम्पियर लिख दिया, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ मैंने 2 एम्पियर लिख दिया और सो ऑन। और अब फिर अननोन करंट पास करो, पता चला यहाँ आकर आकर रुक गई, यहाँ आकर रुक गया स्पॉट ये, तो इसका मतलब 1.5 एम्पियर है 1 एम्पियर 2 एम्पियर के बीच में। तो इस तरह से इस गैल्वेनोमीटर का यूज करना बड़ा मुश्किल होता है, इसकी एक जगह फिक्स करनी पड़ती है और फिर सामने स्केल कैलिब्रेट करना पड़ता, खुद ही करता है ये, कंपनी से कैलिब्रेट हुआ हुआ नहीं आता। तो उस स्केल की जगह हमने क्या यूज कर लिया, आसानी के लिए ये यूज कर लिया, और इस मिरर की जगह लगा दिया एक पॉइंटर। अब वो पॉइंटर इस स्केल के ऊपर चलता रहेगा, देख लो। और फायदा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर, ये मीटर सीटर उठा के कहीं भी ले जाओ, लेकिन इस सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर को एक ही जगह रखना, बस वहां से फिर दोबारा हिलना नहीं है किसी